अत्य सुंदर विषय सागर प्रणाम है देवी भारत माता के चरणों में प्रथम वंदन करती हूँ। आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, इस वर्ष हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई, उन सभी अमर वीरों की स्मृति को, वीरांगनाओं की स्मृति को हम शत शत नमन करते हैं। पूज्य बापू की स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और विनम्र अभिवादन करती हूँ। स्वधर्म के तत्व का पालन करते हुए सब धर्मों एवं पंथों के प्रति आदर रखकर सर्वधर्म समभाव का आदर्श हमारे समक्ष पूज्य बापू ने आज के कार्यक्रम की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से करते हैं।
परियों की नजर लगे। हमारे भारत माता का जीवन ग्रहण करने हेतु अंग्रेजी सत्ता हमारे देश में विस्तार से फैल चुकी। परतंत्र की श्रृंखला ने हमारी भारत माता को जकड़ दिया। लेकिन जब जब इस भूमि पर धर्म का विनाश हुआ है, तब तक दुष्टों का विनाश करने तथा खुद की रक्षा करने भारत माँ ने अपने सपूतों को जन्म दिया। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में भारत माता के गोद में एक सपूत ने जन्म लिया, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अत्यंत शांति से, अहिंसा से, सत्य की पथ पर चलकर बिना शस्त्र से स्वराज्य दिलाने का करिश्मा साबरमती के संत ने कर लिया था। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया हमार। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। के संत तूने कर दिया।
महात्मा गांधी जी कुछ आचार्य विनोबादी के वास्तव्य से और अलौकिक कार्य से पुनित हुई इस वर्धाभूमि के रहवासी आज बापू कुटी में गाने का सुनहरा अवसर हमें मिला है। स्वजनों, पल में जीता है हर मनुष्य, लेकिन हर पल को जीवित करते हैं हमारे कलाकार। मंच पर विराजमान कलाकारों का मैं संक्षिप्त परिचय करवा देती हूँ। हारमोनियम संगत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक और वादक श्रीमान शैलेश जी जगताप। तबला संगत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कलाकार श्री अजय जी दलाने। अक्टोबाजी संगत दे रहे हैं श्री रविंद्र जी झाड़े। अपनी मधुर आवाज में गा रहे हैं मेरी छात्राएं अवंतिका डुमरे, अश्विनी कबारे, कल्याणी भीरन के लेखंडे तथा प्रांजलि तांबोले। और मैं संध्या देशमुख मेरे साथ ही कलाकारों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रुति मधुरता, श्रुति मधुरता और शब्द मधुरता को सुनहरा संगम भजन। संगीत में विविध राग होते हैं, लेकिन भजन में रागों के साथ परमात्मा के लिए अनुराग होता है। और ऐसे ही भजन पूज्य महात्मा गांधी जी को प्रिय थे। आश्रम प्रार्थना एवं सामूहिक प्रार्थना हमारे बापू की देन है। बापू कहते हैं आध्यात्मिक संस्कार से ही हम सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे भजन हमें आत्मोन्नति की प्रेरणा देते हैं। बापू ने अपने आश्रम में सुबह शाम सामूहिक प्रार्थना की शुरुआत की, जो आज तक नियमित रूप से निरंतर शुरू है। दूसरों की पीड़ा को महसूस करना, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करना ही बापू का जीवन काल है। इसलिए बापू को नरसिंह मेहता जी का भजन बहुत प्रिय था, क्योंकि उन्होंने भी अपना जीवन इस भजन के जैसा ही व्यतीत किया। प्रस्तुत करते हैं हम गांधी जी का प्यारा भजन। सम्माननीय माननीय अतिथि, हम उन्हें सादर वंदन करते हैं। बापू का प्यारा भजन वैष्णव भजन तो देने के लिए जो राग समाज में स्वरबद्ध है प्रस्तुत।
कि जिस तरह आहार में हर एक को उसके अनुकूल खुराक दी जानी चाहिए, उसी तरह प्रार्थना में भी हर एक को उसी की रुचि अनुसार, श्रद्धा अनुसार आध्यात्मिक आहार उसको मिलना चाहिए। हमारा आश्रम किसी एक धर्म का नहीं है, हमारा आश्रम सब धर्मों का है। सबके सहूलियत जिसमें अधिक हो वैसा ही वायुमंडल हमें रखना चाहिए। सर्वधर्म समभाव का अर्थ यही श्रुति कहती है, ईश्वर एक। किंतु भक्त लोग अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार अलग अलग नाम रूप से उसकी उपासना करते हैं। सब लोग, सभी प्रार्थनाएं, सब भजन हमें एक ही परमात्मा की उपासना सिखाते हैं। ईश्वर हो या अल्लाह हो, यीशु हो या रब हो, नाम रूप की विविधता हमें न केवल सहिष्णुता सिखाती है बल्कि सर्वधर्म समभाव की ओर ले जाती है। और यह विविधता ही हिंदू धर्म की खूबी है। बाबू के इसी विचारों पर क्या विचारों पर आधारित प्रस्तुत है यह वचन, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबों को सन्मति ईश्वर अल्लाह तेरे नाम अब लो सम्मत दे भगवान। Thank you.
भजन संहिताचा कार्यक्रम आपण इथे थांबवित आहोत, कारण या कार्यक्रमाला अपेक्षित असलेले प्रमुख पाहुणे यांचे आगमन इथे झालेले आहे। तरी या कार्यक्रमाला लाभलेले प्रमुख पाहुणे माननीय सुनील भोगजीदा पालकमंत्री वर्धा जिल्हा यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। सोबतच आमदार देवळी पुलगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार माननीय रणजितदादा कांबळे यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। आपल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी माननीय प्रेरणा देशभ्रता यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपूर चे संचालक माननीय डॉक्टर श्री दीपक खिरवडकर यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। श्री छोटू भाऊ चांदूरकर यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माननीय श्री टी आर एन प्रभू यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीचे अध्यक्ष माननीय श्री धुरुभाई मेहता यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। सर्व सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चंदन पाजी यांनी सुद्धा आपले स्थान ग्रहण करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। यानंतर सामूहिकपणे दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम होईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यक्रमास सुरुवात होईल। माननीय सुश्री प्रेरणा देशभ्रता जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे स्वागत। सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तसेच दक्षिण मध्य माननीय रणजितदादा कांबळे आमदार देवळी पुलगाव विधानसभा क्षेत्र यांचे स्वागत शाल श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती। या भजन संगीत कार्यक्रमाच्या संयोजिका डॉक्टर संध्याताई देशमुख यांचे स्वागत आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शाल श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। श्री छोटूभाऊ चांदूरकर यांचे स्वागत।
डॉक्टर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सावली संपर्क स्मृती चिन्हाचे उपस्थित अशी मी त्यांना म्हणून सर्व सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंदन दादा पाल यांचे स्वागत शाल श्रीफळ व स्मृती चिन्ह देऊन करतील अशी मी त्यांना लिहिली. प्रमुख पाहुण्यांच्या स्वागताचा कार्यक्रम इथे संपलेला आहे. यानंतर सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माननीय श्री टी आर एन प्रभू यांना मी विनंती करतो की ते या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतो. सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान की ओर से कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके संचालक समिति के सदस्य सबकी ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये आश्रम का बैकग्राउंड थोड़ा दो शब्दों में बोलना मेरे लिए जरूरी लगता है. वो इसलिए कि साबरमती आश्रम छोड़ने के बाद बापू के सामने कहीं न कहीं एक जगह पर सेटल करने की इच्छा थी. उन्हें यहाँ पर पर्दा में मित्रों ने खास करके जमुनालाल बजाज जी ने इन्वाइट किया. वो वर्धा में आए, वर्धा शहर में रहे, लेकिन उनको तसली नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मैं शहर में नहीं गांव में रहना चाहता. और गांव में जो लोग रहते हैं उनके रहन सहन के साथ और उनकी क्या परेशानियां हैं वो सब समझ करके मैं जीना चाहता हूँ. इस विचार से उन्होंने वर्धा के आसपास के गांवों में थोड़ा जानकारी लेने के लिए अपने लोगों को भेजा और उनकी शिक्षा मीराबरन ने उन्हें ये सेवाग्राम में आमंत्रित किए. वो सेवाग्राम में आए और उनको सेवाग्राम अच्छा लगा. तो सेवाग्राम में उन्होंने आश्रम बना करके यहाँ पर रहने की इच्छा प्रकट. उस समय के हिसाब देखे तो सेवाग्राम माने आज के जैसा नहीं है. वो छोटा गांव था, मुश्किल से कोई 300 लोग यहाँ रहते थे. उस समय उन्होंने गांव वालों के साथ बात किया और उनको बताया कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपका अनुमति है तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ. गाँव वालों ने उनको अनुमति दी. उसके आधार पर यहाँ पर सेवाग्राम आश्रम की नींव उन्होंने डाली. ये हुआ था 1936 अप्रैल 30 तारीख. उन्होंने यहाँ पर जो निवास जो पाया बनाया वो निवास बनाने के टाइम में भी ये बताया कि ये निवास मेरे लिए यहाँ के जो भी लोकल मटेरियल है उससे बननी चाहिए और यहाँ के कारीगर के हाथों से बननी चाहिए और 100 रुपये में इसका पूरा काम होना चाहिए. तो उनके आदेश के अनुसार ही यहाँ पर सेवाग्राम में पहले आदिनिवास बना, बाद में एक एक कुटी करके आश्रम फैलता गया. आश्रम फैलने के साथ साथ देश विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ उनसे मिलने के लिए आते थे और उनके साथ सलाह मशवरा करते. लेकिन एक बात पक्की थी, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि सादगी के साथ निष्ठा के साथ मुझे यहाँ पर बैठ करके काम करना है. इंटरनेशनल लेवल की बात मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरा काम तो गांव में लोकल लेवल पे. तो उस तरह का काम उन्होंने यहाँ पर शुरू किया और उनके जीवन का प्रमुख एक भाग जैसे बोल सकते हैं
करीब 10 साल के ऊपर का समय इन्होंने ये सेवाग्राम आश्रम में बिताया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, तो इसके आधार पर ये आश्रम बना और आश्रम आज भी चल रहा है। जो कुटिया है वो पुरानी जब बनी थी बापू के टाइम में भी उसी तरह उसको मेंटेन किया गया है, वो चल रहा है, लोग देखने के लिए यहाँ पर विजिटर्स बहुत आते हैं। तो खुद आश्रम की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर जो आयोजित किया गया है ये उचित भी है, क्योंकि सेवाग्राम एक केंद्र था, लोग उस टाइम में बोलते थे कि हमारा कैपिटल दिल्ली है, लेकिन हमारा रियली हमारा कैपिटल सेवाग्राम है, क्योंकि बापू यहाँ रहते थे। तो ये तो इसके विशेषता के साथ समझ करके आज का जो ये 15 अगस्त का कार्यक्रम, क्योंकि 74 साल हमने आज़ादी का बिताया, बहुत सारी यहाँ पर उन्नति भी हुई है, ये कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ देश में उन्नति नहीं हुई है, उन्नति हुई है, लेकिन जो उन्नति बापू ने उस टाइम में अपने विचार में दृष्टि में देखा था वो हुआ कि नहीं, उसके बारे में अपने को थोड़ा सोचने की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इतना ही कहा था सीधे साधे शब्दों में कि अंतिम व्यक्ति का चेहरा देख करके आप कोई भी काम कर सकते, जो भी काम आपको करना है तो अंतिम आदमी को सामने देख करके करो, वो अगर जो कर रहे हैं आप वो उसके लिए कुछ फ़ायदा देने वाला काम है, उसके लिए कुछ काम उसमें से बन सकता है तो आप करो, धीरज से करो, लेकिन वो नहीं है तो आपको दो बार सोचना है मुझे ये करना है कि नहीं। तो ये जो जितने भी नियोजन आयोजन सब हुआ है देश में उसके आधार पर हम कहाँ पर खड़े हैं और बापू के ये जो विचार और भावना के साथ हम कहाँ तक जस्टिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने के लिए आप सबके सामने अवसर है। ये अवसर आज 15 अगस्त के दिन में हम लोग मना रहे हैं। अगले 2 सालों में बहुत सारा कार्यक्रम आश्रम में भी प्लान किया हुआ है, ऑनलाइन सेमिनार वगैरह करने का कार्यक्रम हमारा 1-2 साल में इसी के सिलसिले में चलता रहेगा। अब ये जो आज का दिन का जो कार्यक्रम है, खास करके हमें आज़ादी तो मिली, यहाँ पर प्रजातंत्र भी कायम हुआ, वो प्रजातंत्र कितना सशक्त है, हमें आगे ले जाने के लिए कितना वो सक्षम है, ये समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा समय निकालना जरूरी है। हम लोगों ने क्योंकि तो पीढ़ी वो जिस आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी वो पीढ़ी तो निकल गई, वो पीढ़ी के लोगों ने और आज़ादी के लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिया वो लोग भी हमारे सामने पुराने लोग बन गए। ऐसे बनते ना घर में थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको एक जगह पर बैठने को बोल देते हैं या उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो हम सब लोगों का स्वभाव उसको छोड़ करके अपने को सोचना पड़ेगा कि इस देश में ये जो आज़ादी की लड़ाई के लिए कितने लोगों ने बलिदान किया है उनके सामने हम नतमस्तक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वो उस समय में वो काम किया, इसकी वजह से आज हम लोग इतना आसानी के साथ खुशी के साथ रह रहे हैं। गरीबी वगैरह थोड़ा सा कम हुई है, ये कोई नहीं बोल सकते जैसे गरीबी पूरी गई नहीं है, जो भी है लेकिन गरीबी कम हो गई, हमारे जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। एक समय में खाने के लिए कुछ नहीं था ग्राउंड में, मेरे बचपन में मैं याद करता हूँ कि उस टाइम में हमारे घर में जितने भी 4-5 बच्चे भी हैं लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए अपने को बाहर दूसरे किसी घरों में अगर मिलता है कि नहीं देखना पड़ता था, नहीं तो उसके लिए छोटा मोटा कुछ काम करना पड़ता था, घर में ये सुविधा नहीं थी। लेकिन आज लोग बहुत सारे लोग थोड़ा सा उस लेवल पे खाना सब लोगों को मिल रहा है, खाने के लिए कोई तरस नहीं रहे ज़्यादातर लोग, यहाँ तक खाना भी कहीं
आप रास्ते में आप कोई भिखमंगे को रास्ते में देखते हैं और उनको बोले कि खाना दे दीजिए, वो बोले कि मुझे नहीं चाहिए, आप पैसा दे। तो इसका मतलब लोग थोड़ा सुविधाजनक स्थिति में आ गए हैं। और हमारे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो मिडिल क्लास के लोग भी आज ऊपर के सपने भी देख रहे हैं, कुछ हासिल भी कर रहे हैं और उनके बच्चे भी पढ़ाई वगैरह करके अच्छे पोजिशन में आ गए हैं। लेकिन देश के लिए हमें निरंतर ये प्रजातंत्र के बारे में सोचना है, प्रजातंत्र को सशक्त बनाना है, क्योंकि देश में बहुत सारे खतरे हैं। यहाँ पर बताया गया, यहाँ भजन में भी वो आ गया कि धर्मों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है, धर्मों के बीच में नहीं है लेकिन धर्मों के प्रचारकों के बीच में जो चल रहा है और लोगों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए बहुत सारी चीज, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। मैं केरल का हूँ इसलिए मैं ज़्यादा आपको इतना ही बोल सकता हूँ। वहाँ पर ISI रिक्रूटमेंट तीव्रवादी हो, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ले जा करके फंसा करके गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। इस तरह की शक्तियों के खिलाफ हमें लड़ने का वक्त, तो आप इसके लिए सोचेंगे और इस काम के लिए आगे आएंगे, ये उम्मीद के साथ मैं अपना शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं स्वातंत्र्य संग्रामाच्या समरामध्ये ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्यांच्या स्मरणार्थ हा एक पानाचा लेख मी आपल्यासमोर वाचून दाखवत आहे। 1942 स्वातंत्र्य संग्रामात वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी व खरांगना मुरांगना येथे ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात मोठे उठाव झाले। पोलीस स्टेशन ताब्यात घेऊन तिरंगा फडकावण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला। यात पोलिसांच्या मार्फत झालेल्या गोळीबारात अनेक लोक शहीद झाले, अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला। त्यावेळी वर्धा जिल्हा देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची राजधानी होती। महात्मा गांधीजींनी 1942 भारत छोडो चले जाओच्या आंदोलनाचे आवाहन येथूनच केले। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व आचार्य विनोबा भावे यांच्या संस्कारांनी शेकडो लोकांनी देशासाठी बलिदान दिले। देशाच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षासोबतच स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्रनिर्मितीसाठीची कार्ययोजना आठवण्याची सुरुवात बापूंच्या सहकाऱ्यांनी वर्धा जिल्ह्यात विनोबा भावे यांच्या मार्गदर्शनात केली होती। म्हणूनच मंदिर प्रवेश आंदोलन, चर्मकार निर्मिती, कपडा व ग्रामोद्योगाचे प्रशिक्षण, नई तालीम शिक्षण पद्धती आदी 1930 पासूनच सुरू झाले। वर्धा जिल्हा या सर्व रचनात्मक कामाची प्रयोगशाळा झाला। यातून अनेक कार्यकर्ते 1942 चले जाव आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी झाले व अनेक वर्षे त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला। या महनीय नेत्यांच्या बलिदानाचा समर्पणाचा परिणाम आहे की आज आपण स्वातंत्र्याची 75व्या वर्षात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत। या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मेहनतीचा लाभ आज भारतातील मागील 4 पिढ्यांना मिळाला आहे। आज देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनी या सर्व महात्म्यांचे, सेनानींचे विनम्र स्मरण करून त्यांच्या त्याग तपस्येतून निर्माण केलेल्या भारतीय लोकशाहीला अधिकाधिक विकसित करण्यासाठी व लोकशाही विरोधी वृत्तीच्या विरोधात आवाज मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा सामूहिक प्रण आपण केला पाहिजे। आज भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी दिनाला आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मंडळीतर्फे वर्धा जिल्ह्यातील सर्व स्वातंत्र्य सेनानींना विनम्र आदरांजली व्यक्त करूया। तसेच आज जिल्ह्यातील काही स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना सन्मानचिन्ह प्रदान करताना आम्ही गौरवान्वित होत आहोत। जिल्ह्यातील, राज्यातील व देशातील लाखो बलिदानांचे स्मरण ही यावेळी आम्ही करीत आहोत। जय हिंद। यानंतर स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या वतीने जे प्रतिनिधी सन्मान स्वीकारण्याकरिता इथे उपस्थित आहेत त्यांचा सन्मान प्रमुख अतिथींच्या हस्ते आपण इथे करणार आहोत। त्याकरिता मी आमंत्रित करतो माननीय आमदार श्री सुनील गोगेदार, तसेच की त्यांनी सोबतच गुरुभाई मेहता सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष छोटूभाऊ चांदूरकर हे सुद्धा स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या
प्रतिनिधींचा सत्कार करतील त्या सन्मान केला जात आहे माननीय श्री भोसलेकर यांचा। यानंतर श्री सत्यनारायण जी बजाज यांच्या वतीने श्री प्रदीप जी बजाज इथे उपस्थित आहे त्यांचा सुद्धा शाल श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार केला जाईल। श्री जयकुमार फरसोले यांच्या वतीने त्यांचे सुपुत्र श्री अनिलजी फरसोले इथे उपस्थित आहेत त्यांचा सुद्धा शाळ श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान करावा अशी मी त्यांना विनंती। त्यानंतर श्री शाळ श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह घेऊन सन्मान स्वीकारतील अशी मी त्यांना विनंती। अब इकडे यानंतर यांच्या वतीने त्यांचे सुपुत्र श्री जितेंद्र भाऊ कारडेकर हे सन्मान स्वीकारतील अशी मी त्यांना विनंती। श्री शंकरराव पांडे गुरुजी यांच्या वतीने त्यांच्या पत्नी श्रीमती कुसुमताई पांडे हा सन्मान स्वीकारतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। यानंतर श्री महादेवराव विठोबाजी कोल्हे यांच्या वतीने त्यांचे सुपुत्र श्री प्रेमसागरजी कोल्हे हा सन्मान स्वीकार करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। समारंभ इथे आटोपलेला आहे प्रमुख अतिथींनी आपले उद्बोधन करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करतो। 75वा स्वातंत्र्य दिनानिमित्त वर्धा जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। आजच्या या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित असलेले जिजूबाई बरेच दिवसानंतर माझे नाव एका कार्यक्रमात भेटत आहे सन्मान्य आदर जिजूबाई। आमचे सहकारी मित्र विधानसभा सदस्य सन्मान्य थांबणेजी, सेवाग्राम मिशनचे अध्यक्ष श्री प्रभूजी, छोटूभाऊ जिल्हाधिकारी, सांस्कृतिक महाराष्ट्राच्या म्हणजे रिजनल एनडी, सर्व सेवा संघाचे सन्मान्य अध्यक्ष,
अविनाश जी, श्रीकांत, ग्राम पंचायत सन्मान्य सरपंच, उपस्थित आदरणीय बंधु मित्रों, मी प्रभुजीला हेच म्हणत होतो की जेव्हा जेव्हा आपण माता मान सन्मान करता तेव्हा तेव्हा काहीतरी प्रेरणा नक्कीच आपल्याकडे मिळत असते. मी आपल्या माझ्या समोर बसलेल्या आणि माझ्या उजव्या बाजूला असलेल्या लोकांना मार्गदर्शन करावं अशा तर्फे होऊ शकणार नाही, पण माझं मनोगत नक्की मी व्यक्त करू शकतो. 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना तुम्हा आमच्या सगळ्याच्या मनामध्ये देशभक्ती, देशाबद्दल स्वाभिमान आणि गौरव नक्कीच आपण सगळेजण आपल्या मनामध्ये अवजून विचार येतच असेल, आलाही पाहिजे. सेवाग्राम आश्रमचे सन्मान्य अध्यक्ष श्री प्रभूजीचं मी प्रास्ताविक नीट ऐकत होतो आणि त्यांनी आपल्या भाषा प्रास्ताविकमध्ये एक गोष्ट आवडून त्या ठिकाणी म्हटली की देश स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोक शाहीच्या माध्यमातून चाललेल्या देशामध्ये सगळ्या जातीपंथाच्या लोकांना एकत्र घेऊन चालण्यासाठी जी भूमिका त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी जी मांडून दिली, कुठेतरी त्याच्यामध्ये विसंगती येते का अशा प्रकारचा आभास व्हायला लागलेला आहे. त्यांनी हे त्या आपल्या आपल्या प्रास्ताविकमध्ये असं म्हटलं की आवाज हा जनतेत येत नाही, की आवाज आणि परिस्थिती जनतेत नाही, ही आवाज येणारी परिस्थिती वेगवेगळ्या पंथाच्या व धर्माच्या जे प्रचारक आहे त्यांच्या माध्यमातून होण्यासारखं होत आहे अशा प्रकारचं आपलं मनोगत त्यांनी व्यक्त केलं. ही गोष्ट घेऊन सांगितलं. मी माझे सहकारी राजकारणात किंवा समाजकार्यात चर्चा करत असताना कधी कधी चर्चेमध्ये हा विषय आवर्जून निघतो की हा देश या स्वातंत्र्यवीराच्या नेतृत्वामध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या प्रेरणेनं ज्या स्वातंत्र्याची लढाई लढत होता, नियंत्रित होऊन हत्यारांसोबत ब्रिटिशांना इथून घालत होता, त्यावेळेस मात्र कोणी कोणाला असं विचारलं नाही की तू कुठल्या जाती धर्माचा आहे. कोणी कधी कोणाला हे विचारलं नाही की हा धर्म पुढा आहे का तो धर्म पुढा आहे. कोणी त्या ही त्याची इच्छा व्यक्त नाही केली की हा धर्माचा हिस्सा मोठा आहे, त्या धर्माचा हिस्सा कमी आहे. त्याच्यामध्ये हाही कोणी विचार नाही केला की पुरुष आहे की महिला आहे, पण सगळ्यांनी एकच प्रेरणा उठलं की आपला स्वतंत्र व्हायचं आहे, आम्हाला गुलामीत बाहेर यायचं आहे. गुलामीत बाहेर यायचा मोठा विषय त्यावेळेस होता आणि मग जगामध्ये जे शक्य नव्हतं कोणालाही ते आपल्या देशातील देशवासियांनी स्वतःच्या हिमतीवर मंत्रीच्या ताकदीवर त्याने निर्माण करून टाकलं आणि तेही निहत्ते आता शस्त्र नुसतं राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी किंवा आम्हाला त्यांच्या कृतीतनं प्रेरणा मिळेली, पण कृती सुद्धा तशीच होती की त्यांनी निहत्ते होऊन हत्या त्या ठिकाणी नेमतो नाही की हत्या रुचलाय, पण एवढी ताकद तुमच्या आमच्यामध्ये निर्माण केली की प्रत्येक माणसाला 10-10 भुजाचं बळ त्याच्या हातामध्ये असं त्यांनी वाटायला लागलं. अशा प्रकारची कृती घडून आली, देश स्वतंत्र. पण बंधू आज मी प्रभूजीच्या भाषणाचा उल्लेख देतो, नरेश मिळेल की प्रत्येकाला चिंतन करणं गरजेचं आहे. हा लोकशाहीमध्ये उभा झालेला देश, हा सगळ्या जातीपंथाला बंधुभावाचं प्रेम आणि त्या ठिकाणी एकवट शिकवणारा देश, ह्या देशामध्ये कधी कोणी कोणाला त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये जात धर्म विचारला नाही. हा देश प्रगतीच्या मार्गावर असाच न्यायचा आहे, कुठेतरी अल्पवर सोडून द्यायचा आहे, याच्यावर चिंतन मनन होणं गरजेचं आहे. मी तरुण पिढीला याच्याबद्दल म्हणण्यापेक्षा आम्ही जे आज समाजामध्ये त्या ठिकाणी मार्ग दाखवणारे लोक आहे, आपण सगळ्यांनी चिंतन मनन केलं पाहिजे अशा प्रकारचा मन व्यक्त करतो. दीर्घाई आपण म्हणजे नीट आठवते की मी ज्यावेळेस आपल्याला मुंबईला भेटायला बॉम्बे जेव्हा आपल्या ऑफिस मिळण्या आहे का सरदार वल्लभभाई पटेलचा किताब आपण म्हणजे पडणे किताब बडा म्हणजे उनकी एक एक चीज एक एक वाक्य आजादी के पहले का और आजादी के बाद उनकी एक एक चीज वही सब बताता है कि हमारा कमिटमेंट देश के लिए,
हमारा कमिटमेंट कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है, हमारा कमिटमेंट है कोई एक व्यक्तिगत के लिए नहीं, जब मेरे खुद के लिए नहीं है, हमारा कमिटमेंट शुड बी फॉर द नेशन। ये चीज उनकी किताब से मैंने जो मेरे हिसाब से निकाला, आई मे बी हाफ वे और आई मे बी नॉट फुल्ली करेक्ट, बट मैंने जो निकाला उनकी किताब यही था कि कमिटमेंट शुड फॉर द कंट्री, शुड फॉर द कंट्री, फॉर द ह्यूमन काइंड, शुड बी फॉर द कम्युनिटी। आणि हीच प्रेरणा आज आपण 15 ऑगस्टच्या दिवशी आपण सगळ्यांनी आपल्या मनामध्ये आत्मसात करावा अशा पद्धत म्हणत आपल्या पुढे हा पालकमंत्री वर्धा जिल्ह्याचा आपल्याला करतो आहे। आणि प्रभूजी आपण आपल्या आपल्या निर्देशनामध्ये आपल्या याही जे काही महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून हा सेवाग्राम विकास आराखड्याचा कार्यक्रम एकीकडे रणजित कांबळे साहेब ज्या मंत्री होते सुरू केला होता त्याला आपण पूर्णतः नेतो आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही महाराष्ट्र शासन कमी पडणार नाही एवढ्या राज्याचे मंत्री नात्याने आपल्याला त्याच्यामध्ये विश्वास देतो। पण इथून प्रचार, इथून प्रचार आणि प्रसार झाला म्हणजे देशभक्तीचा आणि ह्या संपूर्ण देशामध्ये आपला वर्धा हा गांधीजीला म्हणून ओळखला जातो, ज्या गांधीजीने आम्हाला मानवता शिकवली, ज्या गांधीजीने आम्हाला भाईचारा शिकवला, ज्या गांधीजीने आम्हाला कर्तव्य शिकवलं, कधीच गांधीजींनी आपल्याला कर्तव्याच्यापेक्षा अधिकार कधीच शिकवला नाही, त्यांनी नेहमी कर्तव्य शिकवलं। आणि कर्तव्य आणि अधिकार याचा याचा अर्थ आपण सगळ्यांनी सुशिक्षित लोकांनी नीट समजून घेण्यामध्ये कृतज्ञ त्या ठिकाणी अत्यंत फलद्रुपी होईल असं 15 ऑगस्टच्या दिवशी या ठिकाणी आपल्या पुढे मांडतो। इथून निघालं हा बलशाली भारत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी दिलेल्या तत्वावर अजून बलशाली होईल अशा प्रकारचा आपण सगळेजण प्रण करू। एवढं होतं आपल्या शब्दाला विराम देतो। जय जय महाराष्ट्र। माननीय मंत्री महोदयांचे धन्यवाद। त्यानंतर मी संगीत कार्यक्रमाच्या यांना विनंती करतो, त्यांनी आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बुजुर्ग स्वतंत्र सेनानी आदरणीय उनका परिवार और गणमान्य व्यक्तित्व गरिमा में हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं सीमा पर खड़े नौजवानों को, सपूतों को हमारा नमन। सौ सौ मस्तक झुके हैं धन के लिए, मिट गए हैं जो अपने वतन के लिए, ऐसे वीरों को हम भूल सकते नहीं, रक्त से चाँच नमन चमन के लिए। शत शत नमन उन सभी अमर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदानों की एक एक ईंट जोड़कर भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी की। उन सभी अमर वीरों का वीरांगनाओं का स्मरण कर उनके प्रति हम नतमस्तक हो गए। अपने वतन के लिए कुर्बानी देते हुए किसी जवान ने दिल को चीर देने वाली बात कही कि भारत माँ मेरी नन्ही सी चिड़िया को जहरता छोड़ डाला हो, मुझे अपनी छाती से तो लगा ली भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को बरसता छोड़ डाला। जी हाँ, हमारे देश की रक्षा के लिए जिन नौजवानों ने अपना घर परिवार छोड़कर प्राणों का बलिदान दिया हमें आज़ादी दी, उन सभी के प्रति हम नतमस्तक हैं। सोचो विश्व मानव बनकर जिन्होंने मानवता की सेवा की वे मानवता के पूजा पूज्य महात्मा गांधी जी, बापू की सेवा का आश्रम को सेवाग्राम का गांधी मंदिर कहते हुए वंदनीय राष्ट्र संत दुग्गजी महाराज लिखते हैं, गांधी का था मंदिर सुंदर, पड़ती पलटी छाव में भूगर, एक थी कुटिया सी सेवा का धाम बसी, निसर्ग की लहर खुली जनता की भीड़ लगी, प्रार्थना चली शांति में ज्ञान में भक्ति में और प्यार में, आओ कोई भी पंथी आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों का मंदिर के हमारा सबके लिए खुला है मंदिर। Thank you.
एक बार सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। यहाँ बैठे हुए सभी हमारे पितृतुल्य गुरुतुल्य उन सब का हम आशीर्वाद लेते हैं और नई पीढ़ी पर अभी जिम्मेदारी है कि हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी हमें दी उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पे है और संकल्प करते हैं कि हम हमारे स्वराज्य को सुराज्य करके दिखाएंगे और इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज यहाँ उपस्थित गरिमामय व्यक्तित्व माननीय मानव मंत्री जी, मैं आपको वंदन करती हूँ। माननीय रंजीत भाव जी वंदनीय वंदना करती हूँ। माननीय ध्रुव भाई मेहता जी और सभी गणमान्य व्यक्तित्व सभी को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमें यहाँ गाने का सुनहरा अवसर दिया, इसलिए मैं केंद्र की संचालक माननीय श्रीमान दीपक खिरवाड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय शशांक गांधी जी तथा यहाँ के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारी मैडम माननीय गिरीश भ्रताप जी माला आपको वंदन करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और बहुत बहुत बधाई आप 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संध्याताई। यानंतर कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा आभार प्रदर्शन या करिता मी अविनाश भाऊ काकडे यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करा। सर्व उपस्थित मान्यवर भगिनींनो आणि बंधूंनो, हा स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचं वर्ष आजपासून सुरू झालेलं आहे। देशाच्या स्वातंत्र्याचं 75वं वर्ष आज सुरू होत आहे, 75वा दिवस आहे आणि म्हणून या कार्यक्रमाचं एका विशिष्ट कार्यक्रमाचं आयोजन आपण केलेलं आहे। जवळपास 125 वर्षापूर्वी आजपासून अमेरिकेमध्ये आपल्या देशाचे एक मोठे माणसं स्वामी विवेकानंद गेले आणि त्यांनी उत्तम मांडणी केली, लोक प्रभावित झाले आणि त्यांच्या स्मृतींमध्ये असं आहे की त्यांना विचारलं की तुम्ही इतकं सुंदर मांडताय, तुमच्या देशामध्ये आलं पाहिजे। तर ते म्हणले की आमच्या देशात येऊ नका, कारण का तर आमचा देश उत्तम मांडणाऱ्यांचा देश आहे, उत्तम करणाऱ्यांचा देश नाही। आणि मग बापूंनी स्वामी विवेकानंदांना आपले गुरुस्थानी मानलं, अनेक लोकांना गुरुस्थानी बापूंनी मानलं। बापूंचा विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपली आत्मकथा लिहिली, त्याचं नाव आहे स्टोरी ऑफ माय लाईफ, मी ही कहाणी। उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया के जितने भी तत्वज्ञानी हैं उनका तत्वज्ञान पहले आया है और आचरण के बारे में वो बहुत कुछ कर नहीं पाते। दुनिया का सबसे पहला तत्वज्ञानी ये है, पहले उसने किया है बाद में पता है। तो एक्शन फर्स्ट, ये जो यूरोप और अमेरिका के लोग करते हैं आपल्या देशात असं म्हणतात की उत्तम बोलणारे माणसं असले की उत्तम काम होते। म्हणून आपल्या इथं पहा, प्रचारामध्ये बोलणार किती चांगला हे जास्त महत्त्वाचं आहे, करणारा किती चांगला याच्याकडे लक्ष देऊ नये। मग बोलण्याच्या प्रॅक्टिसेस आणि कार्यक्रम होतात, प्रशिक्षण होतात। बापू म्हणतात की प्रत्यक्ष माणूस म्हणून जगणाऱ्यांचा जो प्रवास या देशामध्ये सुरू केला, आणि म्हणून जेव्हा इतिहासाच्या एका प्राध्यापकाने बापूंना विचारलं की शस्त्राविना स्वातंत्र्य आजपर्यंत इतिहासात कोणालाही मिळालं नाही, तर बापूंचं जे आत्मविश्वासाने उत्तर होतं ते काय म्हणले, माझ्यानंतर असा इतिहास लिहिला जाईल।
अब तक नहीं, लेकिन मेरे बाद में ये लिखा जाएगा कि शस्त्रों के बगैर आजादी मिल सकती है। हा जो विश्वास कर्तृत्वाचा, म्हणून बोलण्यापेक्षा कर्तृत्व महत्त्वाचं आहे। आजच्या 15 ऑगस्टला बापूंचं स्मरण करताना आपल्याला 75वं वर्ष साजरं करत असताना आपल्याला विचार करावा लागणार आहे की आम्ही बोलणारे होणार, या देशाला लोकशाही मजबूत करणारे, स्वातंत्र्य करणारे, शेवटल्या माणसाचा विचार करणारे, या देशात अजून पडलेले प्रश्न पूर्ण करणारे असे लोक होणार। पण या निमित्ताने आपण उत्तम संगीताचा कार्यक्रम आणि मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम घेऊन त्या पिढीला आपण बोलवलं ज्यांनी या देशाला बलिदान दिलेलं आहे आणि त्यांनी 75 वर्ष आपलं आपण यांच्यामध्ये साजरं करू शकत आहोत। म्हणून त्यांचे आभार मानत असताना त्यांच्या ऋणात आपण राहून आपल्याला आणि इथून जिल्ह्यातल्या आणि देशभरातल्या लोकांना ते स्मरण झालं पाहिजे, या पद्धतीने आपण त्यांचं ऋण फेडण्याचं काम केलं पाहिजे। ज्यांनी देशासाठी मेहनत घेतली त्यांचं ऋण फेडण्यासाठी आम्ही मेहनत करू असं प्रण आपण इथं केलं पाहिजे। या कार्यक्रमाला जे सगळे प्रमुख लोक आलेत त्यांचं, ज्यांनी आयोजन केलं, आश्रम आणि दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार नागपूर विभागाचे आणि संगीताचे साथ त्यांनी दिली, ते सर्व आदरणीय स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांचे घरचे लोक या देशासाठी ज्यांनी योगदान दिलं त्यांचं आणि सर्व सन्माननीय सुनील दादापासून रणजित दादापर्यंत तर धीरूभाईंपासून प्रभूजी आणि आपण सगळे लोक शिरवडकर सरांपर्यंत कलेक्टर मॅमपर्यंत सगळ्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि आपल्या 75व्या वर्षाची एक सुरुवात झालेली आहे असं मी आवाहन करतो आणि आभार आपल्या सगळ्यांच्या मनात थांबतो। एक छोटासा 2 मिनिटाचा कार्यक्रम वृक्षारोपणाचा ठेवलेला आहे, तो आपल्याला दादा करायचा आहे आणि तो झाल्यानंतर सगळ्यांच्यासाठी इथे नाश्त्याची आणि पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे। आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आपले कमजोर आहे, त्यांचा एक कॅमेरा असला की काम समजलं। अरे बाबा सुपर, सगळे फोटो काढले ना तर पिक्चरचे हिरो सारखे। हां सुपर हे जी या दा हो जी ला फोन करतो। अरे अरे सांभाळ टाका माती पाणी दे माती टाका नाही थोडं अलग माती दाबा देईल अरे मी तुला नाही मी तुला आज मला वेळ नाही भेटला तुला फोन करायचा धन्यवाद। जिल्हा सर्द मंडळाचा भाऊ थोडा हात लगाएगी, यादी रहेगी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। आप उधर लगाएंगे बोल जहाँ भी लगाइए सेवाग्राम में लगेगा। शंका तुमसा नहीं आला हाथ में।